मैं चलते हुए हालत बहुत ख़राब हो गई है। खतरनाक रास्ता, इसका नाम है पीस पगोड़ा। महात्मा बुद्ध का टेंपल है ये, देखते हैं आगे चल के। तो लोकेशन देखो जरा कितनी इंटरेस्टिंग है। नेचुरल ब्यूटी, मेहनत देखो यार, स्टोन है ये, स्टोन पूरा। इतना सुंदर बनाया है, कुछ चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी इधर, मतलब मेंटेनेंस का काम चल रहा है। देखो बादलों की वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा, खुद से एक्सपीरियंस करोगे ना तो भी दूर तक दिखेगा। यहाँ तक भी बादल थे अभी, बस अभी थोड़ी सी धूप निकली है तो छट गए हैं। ऊपर आने का रास्ता यार, ट्रैकिंग करके आना तो बड़ा खतरनाक है। और ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जापानीज टेंपल है। यहाँ से मैंने तुम्हें दिखाया था अभी पीस पकौड़ा नीचे से, और अभी मैं खड़ा हूँ इधर। सो ये है जापानीज टेंपल के अंदर का नज़ारा। ये हैं फूजी गुरु जी, जिन्होंने टेंपल बनवाया था, फाउंडर है मतलब इधर के। यहाँ से पूरा लकड़ी का है भाई, लकड़ी का जीना। रास्ता देखो भाई, वहीं टेंपल के साइड में से रास्ता जा रहा है ये मॉल रोड की तरफ, और मॉल रोड से थोड़ा सा आगे जू भी पड़ता है। मतलब यहाँ से टोटल अप्रोक्सीमेट होगा 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास जो पड़ता है टोटल। देखो 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 भाई,
और ये मैं कुछ रास्तों को पैदल कवर करने का ना एक अपना ही मज़ा है जो तुम गाड़ी में चलते हुए एक्सपीरियंस नहीं करते ना, वो तुम बाय वॉक ही जब ट्रैक पे जाते हो ना तब एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, और उस एक्सपीरियंस का दूसरा कोई तोड़ है ही नहीं। सो मेरे हिसाब से ट्रैकिंग ज़रूर करनी चाहिए, फील ही अलग है भाई। ब्रेथ टेकिंग व्यू है यार, ऊपर से लोकल रास्ता खतरनाक मज़ेदार, बहुत बढ़िया रास्ता है। ये घर का मॉल रोड, पूजा चल रही है, दुर्गा पूजा। अब दो रास्ते हैं इधर से, एक ये है और एक ये है, कहीं से भी निकल जाओ घूम के इधर ही आओगे। ये कुछ हैं लोकल्स की दुकानें शॉपिंग करने के लिए, मार्केट है वो। मैं सोच रहा हूँ उधर वाले रास्ते से जाता हूँ। जो राइट साइड वाले रास्ते था उधर आया हूँ, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर चल रहा है। ये सारे स्ट्रीट वेंडर्स लोकल्स की मार्केट, मॉल रोड की हाइट, बादल ज्यादा हो रखे कुछ नहीं दिख रहा, बाकी बहुत हाइट पे है मॉल रोड तो इधर का। ये मॉल रोड के बीच में पड़ता है, बीच में दिखा मुझे महाकाल मंदिर महादेव का। ये नीचे मार्केट हो जाएगी। बहुत मस्त रास्ता है भाई, रास्ता बहुत बढ़िया है। देखो कुछ कुछ देखने तो लगा है मंदिर, पर हालत खराब हो गई। चढ़ते चढ़ हो फूल गई सांस भाई, अभी जाके पहले प्रसाद लूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। देखो थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, ये मंदिर वो सामने देख रहे हो, ये जगह यहाँ से मिलेगा प्रसाद। और यहाँ जाना है अपने को, चलो जगह दिखाता हूँ। तो प्रसाद तो ले लिया, ये तो सुना ही होगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। यहाँ जाना है अभी, जो हो यह है मंदिर का रास्ता। प्रभु के चरणों में
चढ़ाएंगे ये प्रसाद। काफी पुराना मंदिर है भाई, बहुत सुकून वाली वाइब्स हैं इसकी। आखिर भक्त भी तो हम महादेव और हनुमान जी के हैं, महादेव के पास आके। हेरा मंदिर यहाँ बीच में माता है, जो माता है। गणेश जी महाराज का मंदिर, ये बैठे नंदी जी माता के सामने। आपको पता है माता के सामने हमेशा मुखर के पहले नंदी जी बैठते हैं। ये है भाई महादेव का मंदिर। दर्शन हो गए मेरे, जा रहा हूँ वापस से नीचे मॉल रोड की तरफ। क्या बताऊँ कितना सुकून मिला है दर्शन करके। 1782 में बना था ये टेंपल, इतना पुराना है। मस्ट विजिट है ये टेम्पल अगर दार्जिलिंग आओ तो। ये नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मेरे जैसा जितने भी है ना महाकाल से प्यार करने वाले, जरूर आए इधर। जरूर आए, जरूर। चल रहे नीचे का रास्ता वापस से। बाबा रे कितना शानदार व्यू भाई। मेरे को तो अंदाजा नहीं है, पर आप लोग को अगर पता है तो बताओ मुझे कितनी हाइट पे होऊंगा मैं इस टाइम पे। जो भी है भाई बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा व्यू लाइफ में अभी तक नहीं देखा मैंने। जो भी ये है ना अभी तक तो देखा नहीं मैंने। रास्ते ना इतनी शांति है ना, घूमते रहो इधर ही। जू से व्यू है ये, ऊपर मैंने पूछा था अभी एक पुलिस वाले से, बता रहा ऊपर टाइगर वगैरह हैं। भेड़ ही भेड़ है। पल्लू रख कर
है तो इधर भी भाई। এগুলো এক ধরনের হরিণ, হরিণ অনেক রকম প্রজাতি, তো তার মধ্যে বাবা স্নো লেপার্ড। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर मिलेगा, चल के पता करते हैं क्या मिलेगा ऊपर। स्नो लेपर्ड तो देख लिया, लेपर्ड दिखेगा नॉर्मल, देख रहा लोगों को, चुपचाप बैठा हुआ, दिखाता हूँ। ये बैठा हुआ मोगली का बगीरा दिखाता हूँ अभी, ये रहा बगीरा बैठा हुआ है, सो कॉल्ड ब्लैक पैंथर, शकल ही दिखा रहा, शर्मा रहा है। सोलो ट्रैवल करके एक बात तो पता चल गई, बंदा कर सकता है यार, इतना भी बोरिंग नहीं है। पैरट्स पानी का बल है, जो भी है अच्छे है। हिमालयन बुल होते तो सारे कुत्ते जैसे हैं। ये है मोज़िला फायरफॉक्स, सो कॉल्ड रेड पांडा।